किस तरह जिले में साइबर सेल की भूमिका है, किस तरह का? साइबर क्राइम जो है वो एक बीमारी की तरह है। पुलिस के पास फरियादी आता है तो उन्होंने पुलिस को ही एक माध्यम बना लिया है कि नई जो फ्रॉड करने वाले हैं नया नया तरीका अपना रहे हैं। किस तरीके के तरीके अपना रहे हैं और क्या एडवाइजरी अपने आप? जैसे आपने देखे होंगे अनजान लिंक आते हैं आपके पास, उसको क्लिक करना होता है। आप जैसे लिंक क्लिक करते हैं वो आपके, कई शिकायतें आती है कि ना हमने ओटीपी दी, ना हमने लिंक पर क्लिक किया, फिर भी हमारे खाते में पैसे आए और उड़ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील रजक। इस समय हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय साइबर सेल में मौजूद हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जाट जी हैं जो साइबर सेल के शिवपुरी के प्रभारी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप लोगों का। किस तरह ज़िले में साइबर सेल की भूमिका है, किस तरह काम कर रहा है? जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी साहब ने हमें निर्देशित किया है काम करने के लिए साइबर के, तो आज के टाइम पर जो चल रहा है साइबर क्राइम को लेकर, आज के टाइम बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहा है, तो जिसमें दो टाइप के रहते हैं साइबर, एक सोशल मीडिया और दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड। सोशल मीडिया में हमारी जो आती हैं, जितनी भी हमारी सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिन पे लोगों की अलग अलग आइडियाँ क्रिएट की जाती हैं, तो इनमें अलग टाइप के फ्रॉड बनते हैं। किसी की फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आप सुनते होंगे कि फर्जी आइडियाँ बन गई हैं, तो ये भी एक टाइप का साइबर क्राइम में आता है। और दूसरा होता है लोगों के फ़ोटो एडिट करके उनको पब्लिश कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है, तो ये भी उसमें आता है। ये खासकर स्कूल बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनके बच्चों की आइडिया बना के और वायरल कर दी जाती हैं, दूसरों को भेज जाते हैं, तो ये इन चीज़ों पे भी हम काम करते हैं, इन आइडिया को डाउन कराने का उनमें। और बाकी इस पे ये है कि उन आइडिया को अवेयर किया जाता है कि जिनकी आइडिया पब्लिक हैं, लोग आजकल फॉलोअर्स बढ़ाने का जैसा ट्रेंड चल रहा है लोगों को, तो उसके लिए पब्लिक करके रखते हैं अपने अकाउंट को, तो पब्लिक ना करके उनको प्राइवेट किया जाए और आप लिमिटेड लोगों को ही उसमें ऐड करें जिनको आप जानते हैं, जो आपके नोन हैं। अनजान लोग जो आती हैं रिक्वेस्ट, आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना है हमें। दूसरा सेम उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड को रिगार्डिंग, आज के टाइम पे हर किसी को जॉब और वो उसके रिगार्डिंग है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो लोग उसको टारगेट करते हैं, तो वहाँ से हमें लिंक भेज देते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो इतना अमाउंट कमाइए, इस पर जाइए, तो एज ए टास्क के रूप में वो आपको भेज देते हैं कहीं किसी के रिगार्डिंग। तो लोगों से यही है कि ऐसी चीज़ें जिन पर आएँ उन पर भरोसा ना करें। अनजान लिंक जब हमारे पास में आती हैं तो उनको क्लिक ना करें। जॉब के रिगार्डिंग कोई अप्लाई आता है हमारे पास में, तो जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें पूरी तरीके से, है उसकी कंपनी वगैरह सब कुछ, तब तक उन पर भरोसा ना करें और कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र उनको ना करें। अभी हाल ही में साइबर सेल शिवपुरी ने दो फर्जी ट्रांजेक्शन जो हो गए थे उनको ट्रेस किया है, किस तरह साइबर सेल शिवपुरी की उसमें भूमिका रही? ये शिकायतें हमें मिलती हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, सोशल मीडिया और फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में जब लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड होता है लोगों के साथ में, तो उसकी इमीडिएट कंप्लेंट हम लोग रिसीव करते हैं। जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और बैंकों को मेल करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसके अकाउंट में गया है उस अकाउंट को सीज किया जाए, होल्ड किया जाए, फ्रीज किया जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अमाउंट को रोका जा सके। तो वहाँ फिर उसकी जाँच की जाती है कि ये पैसा ट्रांजेक्शन हुआ सच में किसी फ्रॉड तरीके से हुआ है या रियल टाइम। जब उसमें जाँच में पाया जाता है कि हाँ ये फ्रॉड तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अकाउंट में होल्ड किया जाता है और उसमें पैसा रुक जाता है। अगर पैसा विड्रॉल नहीं होता है, उसमें रुक जाता है, तो हम कोऑर्डिनेट करके उनसे उसको पैसे को वापस लाते हैं। तो जो आप दो बात कर रहे हैं, दोनों ऐसे ही थे, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई, हमने उन पर काम किया, उन अकाउंटों को होल्ड कराया, उनमें अमाउंट अवेलेबल था, तो हमने कोऑर्डिनेट करके संबंधित बैंक कहाँ से ये दोनों, तो पहला जो अकाउंट था एक जिसमें 39,000 हमने रिसीव कराए थे, वो खनिया थाने के कोई फरियादी थे उनके, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल का अकाउंट था, वहाँ से हमने उनको विड्रॉल किया था, वापस मंगाया था और उनको फिर प्रोवाइड कराया। दूसरा जो था वो हमारा यहाँ शिवपुरी के ही थे जिनको कराया, वो तमिलनाडु का खाता था जिनका, तो वहाँ से कराया उनको दोनों को कोऑर्डिनेट करके। तो आजकल जो सोशल मीडिया या फिर बच्चे हैं, आजकल जो पुलिस का भी, जैसे पुलिस के पास फरियादी आता है तो उन्होंने अब पुलिस को ही एक माध्यम बना लिया है कि नई जो फ्रॉड करने वाले हैं नया नया तरीका अपना रहे हैं, किस तरीके के तरीके अपना रहे हैं और क्या एडवाइजरी अपने यहाँ से जारी हुई है वो पुलिस? बिल्कुल, मैं इसके रिगार्डिंग सबको लोगों को, आपके माध्यम सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम जो है वो एक बीमारी की तरह है ना। जब बीमारी किसी को लग जाती है, फिर उसके बाद हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें कराते हैं, तो हम इसके लिए परेशान होते हैं, तो उसमें जितना हम प्रिकॉशन यूज़ करते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता है। सेम साइबर क्राइम में है कि साइबर क्राइम के शिकार बनने के बाद फिर हम इसके पीछे भागते हैं, तो वो बहुत टिपिकल होता है। इससे अच्छा कि हम उसके पहले कुछ एडवाइजरी हैं जिनको हम फॉलो करें और उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो हम अगर एक्सेप्ट करें, तो ये इन चीज़ों से हम बच जाएंगे सारे के सारे, है ना। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड के रिगार्डिंग है, फाइनेंस फ्रॉड में रिलेटिवली जैसे कॉल आते हैं, जो रिसेंटली इनके टारगेट चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, हम लोगों के बीच के, तो उनको भी पता है कि अभी पब्लिक में क्या चीज़ें चल रही हैं,
तो ये रिसेंटली अपडेट होते रहते हैं। जैसे शुरुआत इसकी हुई थी OTP लेने से, तो आजकल लोग अवेयर हो गए हैं इसके चीज़ को लेके कि OTP नहीं सेंड करते, तो उन्होंने OTP की जगह उन्होंने कोड वर्ड चालू कर दिया कि आपके पास एक पासकोड आया होगा, नाम बदला, काम वही था, तो लोग इसको लेके अवेयर हुए, पासकोड बदला, फिर उन्होंने लिंक भेजना चालू करी। लिंक का ये होता है कि आपके पास, जैसे आपने देखे होंगे अनजान लिंक आते हैं आपके पास, उसको क्लिक करना होता है, आप जैसे लिंक क्लिक करते हैं वो आपके डिवाइस का एक्सेस ले लेता है। तो आपकी डिवाइस, जैसे दो आई डिवाइस हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे दो मोबाइल हैं, अगर मैं इस डिवाइस से इस पर अगर कोई लिंक भेजता हूँ, तो ये लिंक पे जैसे ही इस मोबाइल पे क्लिक करूँगा, इसकी जो स्क्रीन होगी वो पूरी की पूरी मेरे इस मोबाइल पे शो करेगी। तो ये टाइप का एक्सेस होता है। तो आप सोचते हैं कि हमने तो OTP दिए ही नहीं, फिर भी हमारे पैसे निकल गए। आपने OTP नहीं दिया, लेकिन आपने एक्सेस उसको दे दिया था। तो जो OTP आपकी स्क्रीन पे आया, आपने देखा, वो सेम उसको भी दिख गया OTP। पैसा ट्रांजेक्शन सिर्फ OTP के माध्यम से ही होता है। तो वो OTP लेने का तरीका बदल गया बस इन लोगों का। फिर अब ये और ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं इस चीज़ों, नए नए तरीके। अब रिसेंटली जो चल रहा है, रिलेटिव बन के कॉल करते हैं, ये आपके पास कॉल आएगा कि एक मैं आपका परिचित बोल रहा हूँ, पहचाना आपने मुझे। नॉर्मली कॉल पे हम इतना नहीं ध्यान दे पाते किसका है कहीं बीच में। और आपको एक टेक्स्ट मैसेज को क्रेडिट करेंगे, आपके टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। आपको बोलेंगे यार मुझे 5,000 भेजने थे, मैंने गलती से 50,000 भेज दिए, आप एक काम करो 45,000 रुपये मुझे वापस भेज दो। आदमी मैसेज चेक करता है सबसे पहले, और उसके रिगार्डिंग वो 45,000 रुपये उसको ट्रांसफर कर देता है। बाद में जब वो पता चलता है उसको तब, तो इसके लिए ये है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल रिगार्डिंग जब भी कोई आए, तो आप सबसे पहले अपने अकाउंट में जाके उसको चेक करें, अपना अकाउंट चेक करें, बैलेंस चेक करें, आपको लगता है कि आपके पास ट्रांजेक्शन आया, देन उसके बाद में आप पहले बैंक जाएँ, बैंक से कंसल्ट करें कि ये पैसा कहाँ से आया, उसके बाद आप साइबर सेल या पुलिस में आके अपने लोकल थाने में जाके कि सर ऐसा मेरे पास कोई कॉल आ रहा है अनजान नंबर से इसके रिगार्डिंग, तो आप इस ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। फिर अभी कुछ लोगों के पास अभी रिसेंटली ट्रेंड चला है कि पुलिस वाला बन के लोगों के पास कॉल जा रहे हैं कि आपके बच्चे को या आपके परिचित को हमने पुलिस ने पकड़ लिया है और इस केस में पकड़ा गया है, आप जल्दी से पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं उसको जेल हो जाएगी। तो वहाँ भी लोग हैं, कुछ होते हैं जो परिवार को लेकर तो ज़्यादा चिंतित होते हैं, वो नहीं पुलिस तक कांटेक्ट कर पाते, नहीं समझ पाते, तो वो भी इसका शिकार बन जाते हैं और लोगों को, उनको फ्रॉडस्टर को पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर सेल की भूमिका लगातार शिवपुरी में देखने को मिल रही है, सभी जगह देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। क्या कई लोग कहते हैं, कई शिकायतें आती है कि ना हमने OTP दी, ना हमने लिंक पर क्लिक किया, फिर भी हमारे खाते में पैसे आए और उड़ गए। और उनका जब स्टेटमेंट वो निकलवाते हैं, तो कई जैसे किसी ने कहीं शॉपिंग की है उस अकाउंट से, उसमें जैसे वॉशिंग मशीन खरीद ली, AC खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं या तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैंने वो ही बताया था कि इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम टाइम टाइम पर एडवाइजरी जारी करते हैं, अभी भी जारी की गई हैं। ये रिसेंटली चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जब लोग ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है, डेफिनेटली उनको नहीं पता होता, लेकिन उनको जाने अनजाने में, हम चाहे जाने जानकर करें अनजाने में, उनसे अनजाने में ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मोबाइल हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं, कहीं हम हैबिचुअल हैं उसके, कहीं उसके हैबिचुअल नहीं होते हैं। आजकल लोग जिनको सपोर्ट एंड्रॉयड फ़ोन का वो है, सबके पास है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर हमारे पास कई बहुत सारी लिंक अनजान IDs वगैरह पास हमारे पास आती हैं, और इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास डाउनलोड हो जाती हैं। तो हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं अगर ओपन करने के लिए, तो जब वो खुलती हैं तो हमें नहीं पता चलता कि वो उसमें फ्रॉडस्टर की लिंक कौन सी है और कौन सा है, तो हमें नहीं पता। हम यही सोच रहे थे कि हमने कुछ साइन नहीं किया, लेकिन वो अनजाने में हम अपना एक्सेस दे चुके होते हैं, या कई बार ऐसी लिंकों पर क्लिक कर देते हैं जहाँ से हमारा चला जाता है। सेम इस थिंग, जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, आज के टाइम पे आप देखिएगा, जब प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें वो मल्टीपल परमिशंस मांगते हैं आपसे, आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगेगा, आपका SMS एक्सेस मांगेगा, आपका गैलरी एक्सेस मांगेगा, आपके सारे चीज़ों के एक्सेस वो मांगता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक ऐप डाउनलोड करने से उसने आपकी पूरी डिवाइस की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक्सेस मांग लिया आपसे। अब कौन सा ऑथेंटिकेट ऐप है और कौन सा नहीं है, आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? हम कई जैसे लोन ऐप भी हैं, अभी बहुत सारे लोन ऐप का भी बहुत ज़्यादा चला था, लोग आजकल मोबाइल पे 2-3 हज़ार रुपये लोन ले रहे हैं, इजीली मिल रहा है एक क्लिक पे, लेकिन उसका आप टारगेट समझिए, वो आपको लोन एक्सेस एक क्लिक पे आपको लोन एक्सेस दे रहे हैं, आपको लोन दे रहे हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करें, उसके बदले में वो आपके 5 दिन में जस्ट डबल पैसा आपसे मांगते हैं। और नहीं करते तो आपकी वल्गैरिटी, आपको गाली गलौज के अब्यूजिंग कंटेंट आपको सेंड कर सकते हैं, आपके पूरे परिचितों को सबको भेज सकते हैं वो कंटेंट, तो उसको आपको ब्लैकमेल करते हैं उसके बिहाफ पे, और वहाँ से भी लोगों से वो पैसा लेते हैं। तो मेरा बस पब्लिक आपके थ्रू माध्यम से पब्लिक से यही कहना है, सारी शिवपुरी की पब्लिक से, कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर बढ़ रहा है, और हम कंटिन्यू इस पर काम भी कर रहे हैं इसको करें, लेकिन आपकी मदद की ज़रूरत है। आप जितने भी इसको प्रिकॉशन यूज़ करेंगे, हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, आप जितना अवेयर रहेंगे इससे उतना ज़्यादा बचे रहेंगे। फाइनेंशियल रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, कभी भी मोबाइल पर ज़्यादा
मत सर्च कीजिए, क्योंकि आप जो सर्च करते हैं वो हर कोई देख सकता है, तो हम जितना ज़्यादा जो चीज़ सर्च करते हैं वो इतना ज़्यादा ऊपर जाता है और उसी का फ्रॉडस्टर फ़ायदा उठाते हैं। आप गूगल पर अगर कोई नंबर सर्च करेंगे, कोई कंपनी सर्च करेंगे, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि वो फेक होगी। तो आपके पास जो ऑथेंटिकेट ऐप है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, जब हम उनका कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं तो हम अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि वो फेक नंबर ही होगा हमारे पास में। तो आप ऑथेंटिकेट ऐप ओपन कीजिए, उसके हेल्प सेंटर में जाइए, आपको अगर कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना है उसके हेल्प सेंटर में जाके आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको मैसेज बाय चैट और बाय कॉल का दोनों का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, तो आप जैसे उनको प्रोवाइड कराना चाहें वैसे। तो बस यही है कि अगर फ्रॉडस्टर से बचना है तो ऑथेंटिकेट ऐप ही यूज़ कीजिए और उनके हेल्प सेंटर में ही जाके उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। गूगल पर कस्टमर केयर को सर्च ना करें और ना फ्रॉड का शिकार हो सकते। तो देखा आपने कि किस तरह शिवपुरी के साइबर सेल प्रभारी धर्मेंद्र सिंह जाट ने हमें सारी जानकारी दी और आपको भी सचेत किया है कि किस तरह आप फ्रॉड से बच सकते हैं। लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी साझा ना करें, किसी भी प्रकार का एक्सेस अगर कोई फर्जी ऐप है तो उसको ना दें, जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और अगर गलती से कोई फ्रॉड का शिकार होता है तो साइबर सेल ऑफिस में आकर संपर्क करें और उसकी कार्रवाई यहाँ से की जाएगी, और लगातार यहाँ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी हाल ही में दो बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे भी। धन्यवाद।